रामपुर गांधी समाधि के सामने 73वें प्याऊ लगाया, डीएम ने किया उद्घाटन। आज गांधी समाधि के सामने रामपुर के समाज सेवी सतीश भाटिया ने 73वें प्याऊ लगाया। प्याऊ का उद्घाटन जिलाधिकारी के साथ ही साथ कांग्रेसी नेता संजय कपूर भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सतीश भाटिया लगातार रामपुर में समाज सेवी का कार्य करते हैं और पानी के लिए जगह जगह प्याऊ लगाते हैं, ताकि राहगीरों को पानी की कमी के चलते दिक्कत न हो, और जगह जगह प्याऊ होने के कारण कोई भी राहगीर पानी की किल्लत से परेशान ना हो और प्याऊ लगने से पानी पी सके। रामपुर में सतीश भाटिया ने इसी तरीके से 73वें प्याऊ लगाया है। सतीश भाटिया का कहना है कि पानी बिकना नहीं चाहिए, इससे रामपुर वाले और राहगीर परेशान नहीं होंगे। जब हम ट्रैफिक में चले गए, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखे तो अब नक्शा बिगड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो हमें उसको बराबर करने की ध्यान ले आना पड़ेगा। कोशिश हमारी जारी है, उम्मीद करेंगे। और मैं नहीं होंगे, उम्मीद करूंगा कि मेरी इस बात को सारे लोग समझेंगे, जो उस अगली पीढ़ी को सिर्फ अपने बच्चे में ही नहीं, सारे बच्चों में। 26 अगस्त 1969 को हमारे इससे बढ़िया जगह उनकी 50वीं पुण्यतिथि है। मौके पर प्याऊ का लोकार्पण किया गया जनता द्वारा। ये यकीनन ये बहुत अच्छी ऐतिहासिक जगह है। इस जगह हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ राष्ट्र को पानी पिलाने का, जहाँ गांधी जी की समाधि है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, तमाम ऐसे मौकों पर लोग यहाँ पे आते, बच्चे आते हैं जिले के, उनको ठंडा पानी जल मिल पाए। और सबसे बड़ी सेवा दुनिया में अगर कोई है तो जल की सेवा है, ना कि प्यासे को पानी पिला दो, सबसे बड़ी सेवा कोई नहीं होती है। तमाम यहाँ पे लोग सुबह लाइट पे जाते हैं, वो लोग आते हैं, उन्हें पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी। और ये जहाँ आप खड़े हैं, इस जगह पे लोग शाम बहुत बड़ी तादाद में आए, सैकड़ों की तादाद में बैठे थे, बड़ी दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता था उन्हें। अब शीतल जल, ठंडा जल यहाँ मिलेगा, यकीनन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें अपने परम पूज्य पिताजी श्री भगवती प्रसाद कपूर जी की 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम प्याऊ बनाकर लोकार्पण करा सकें। और उसके लिए खास तौर पर जिलाधिकारी महोदय का और सतीश भाटिया जी का, हम दोनों का और अपने बड़े भाई संतोष कपूर जी का, उनका बहुत प्रेरणा से हुआ है। सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके का कार्यक्रम और आगे चलता रहेगा और लोग प्रेरित होकर सहयोग करेंगे और अपने शहर को पानी से जल से जल की समस्या से मुक्त करेंगे।